नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अदिति क्रिएशन में। आज हम आपको पार्टी बियर लपेटा वाला डिजाइन बनाना बताएंगे। अगर डिजाइन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह हमारा अस्तर का कपड़ा है, यह हमारा मेन कपड़ा है। ये हमने ब्लाउज की लंबाई 14 इंच ली है, तैयारी 13.5 इंच रखना है। एक्स्ट्रा कपड़ा सिलाई में चला जाएगा। ब्लाउज की चौड़ाई 34 इंच है, चौथाई भाग हमने 8.5 इंच ले लिए हैं। आर्मोल की गोलाई 6 इंच है, शोल्डर 7 इंच है। गले की जो कटिंग करेंगे तो वो हम पेस्टिंग पे कटिंग कर लेंगे। ये हमारा पेस्टिंग है, इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। पेस्टिंग की लंबाई 14 इंच है, डबल फोल्ड करके पेस्टिंग की चौड़ाई 5.5 इंच है। अब हम इस पर निशान लगा लेंगे। यहाँ हम 4.25 इंच पे निशान लगा लेंगे, नीचे भी हम 4.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। गले की गहराई 12.5 इंच है, इसको सीधी लकीर खींच लेंगे। इसको हम सीधी लकीर इस तरीके से खींच लेंगे मिलाते हुए। यहाँ हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, इसकी सीधी लकीर खींच लेंगे। अब हम गले का शेप दे देंगे। ये हमने इस तरीके से गले का शेप दे दिए हैं। यहाँ हमें 8.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब इसको हम इस तरीके से शेप देंगे डिजाइन का। ये हमने इस तरीके से गले का शेप दे दिए हैं। अब बाहर से निशान लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से 1 इंच 1.5 इंच निशान लगा सकते हैं। ये हमने बाहर से निशान लगा लिए, अब सेंटर में कट कर लेंगे। तो ये हमारा सेंटर है, अब बाहर से कटिंग कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अब इसे हम अस्तर पे पेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हमें दूसरे साइड भी निशान लगा लेना है। ये हमने अस्तर पे पेस्टिंग को पेस्ट कर लिए हैं, अब इसके दूसरे साइड भी निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा सेंटर है, दोनों सेंटर को इस तरीके से पकड़ लेंगे। ये हमने इस तरीके से निशान लगा लिए हैं, ये हमारा सेंटर है। अब ये हमारा मेन कपड़ा और अस्तर है, इसको हम चारों साइड से सिलाई कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से अस्तर और मेन कपड़े को चारों साइड से सिलाई कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिया, अब हम सेंटर में निशान लगा लेंगे। ये हमने सेंटर में निशान लगा लिए हैं, ये हमारा सेंटर है। दोनों सेंटर को मिलाते हुए हमें सीधी सिलाई कर लेनी है। ये हमने सीधी सिलाई कर ली है, अब इस निशान पे हमें सिलाई कर लेनी है। ये हमने इस तरीके से निशान पे सिलाई कर लिए हैं, इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे सेंटर मिलाते हुए। अब ये जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कटिंग कर लेंगे। ये हमने इस तरीके से कटिंग कर लिया है एक्स्ट्रा कपड़ा, अब किनारे से कट कर लेंगे। ये हमने किनारे से कट कर लिया, अब इसको पलट लेंगे। सबसे पहले हम नोक निकाल लेंगे, किसी चीज़ के हेल्प से हमें नोक निकाल लेना है।
तो ये हमने नोक निकालनी है, इस किनारे पे सिलाई कर लेना है। ये हमने इस तरीके से गले के किनारे पे सिलाई कर ली है। अब हम प्लेट का निशान लगा लेंगे, तो इसको हम फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले ये हमने फोल्ड कर लिए हैं, अब हम प्लेट का निशान लगा लेंगे। तो लगभग 4 साढ़े 4 इंच पे हम प्लेट का निशान लगाएंगे। ये हमने प्लेट का निशान लगा लिए हैं। ये हमने इस तरीके से दोनों प्लेट डाल लिए हैं। अब नीचे से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने इस तरीके से दोनों प्लेट डाल लिए हैं और नीचे से कपड़े को फोल्ड कर लिए हैं। अब इसको इस तरीके से हम सेंटर मिलाते हुए फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिए हैं। 1/2 इंच हम निशान लगा लेंगे कटिंग करने के लिए। तो ये हमने 1/2 इंच निशान लगाए हैं, इतना हम कट कर लेंगे कपड़े को। ये हमने कट कर लिए हैं। ये 1.5 इंच के रिबन हमें तैयार करना है। ये हमने रिबन बनाने के लिए कपड़े ले लिए हैं। इसकी लंबाई 20 इंच है, चौड़ाई 1.25 इंच है। अब इसको इस तरीके से फोल्ड करके हमें सिलाई कर लेनी है। ये हमने इस तरीके से सिलाई कर ली है। अब इसको पलट के प्रेस कर लेंगे। ये हमने रिबन को पलट के प्रेस कर लिए हैं, अब इसे सेट कर लेंगे। तो ये हमारा सिले हुए भाग है, तो इसको ऊपर की साइड रखेंगे हम। तो इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे, इस तरीके से रखते हुए हमें सिलाई कर लेना है। ये हमने सिलाई कर ली है, अब इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेना है। ये हमने इस तरीके से सिलाई कर ली है। ठीक इसी तरीके से दूसरे पल्ले में भी हमें सेट कर लेना है रिबन को। ये हमने इस तरीके से दोनों पल्ले में रिबन सेट कर लिए हैं। ये हमारा बनने के बाद इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पे आप चाहे तो हुक लगा सकते हैं या फिर 100 बटन बना के डाल सकते हैं। ये डिजाइन बनकर कम्प्लीट हो चुका है। हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और डिज़ाइन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक से ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह के नए नए ब्लाउज के डिज़ाइन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।